डीएसपी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हेडलाइन से और फिर सभी खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे साथ बने रहें। शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना होगा अनिवार्य, नई शिक्षा नीति में किया बड़ा प्रावधान। कोलतार मिक्सिंग प्लांट में लगी आग, लाखों का नुकसान। भूस्खलन से ओट आनी सेंध पाउंटर सिलाई हाईवे यातायात के लिए बंद। आईजीएमसी हॉस्टल में सीनियर जूनियर प्रशिक्षु डॉक्टर भिड़े, रैगिंग का केस दर्ज। विभाग के एक अधिकारी और एक कर्मचारी को ही मिलेगा सचिवालय पास। पाठ्यक्रम में कटौती नहीं चाहते हैं अधिकतर अभिभावक। अक्टूबर में खुलेंगे मनाली के होटल, 6 माह बाद पर्यटकों से रूबरू होगी पर्यटन नगरी। हिमाचल के शहरी क्षेत्रों में बीपीएल में आने के लिए बढ़ेगी सालाना आय सीमा। केंद्र को बल्क ड्रग पार्क का प्रस्ताव भेजेगी हिमाचल सरकार। मानव भारती विश्वविद्यालय के हजारों पूर्व विद्यार्थियों की नौकरी पर तलवार। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 25 सितंबर से पटना शुरू होंगी स्मार्ट वर्दी। कुल्लू में फटा बादल, 28 अगस्त तक पढ़ाई सिलेबस से ही पूछे जाएंगे स्कूलों की फर्स्ट टर्म परीक्षा में सवाल। अब जानते हैं बाकी सभी खबरें विस्तार से। प्रदेश में डॉक्टर समेत 167 नए पॉजिटिव मरीज, 2 और लोगों की मौत। हिमाचल में बुधवार को कोरोना ने 2 और लोगों की जान ले ली। चंबा के झुलाकड़ी के 60 वर्षीय बुजुर्ग ने अमृतसर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि पालमपुर के फरेड की रहने वाली 43 वर्षीय महिला की मौत टांडा मेडिकल कॉलेज में हुई। प्रदेश में अब तक कोरोना से 31 जाने जा चुकी हैं। प्रदेश में बुधवार को 167 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। सिरमौर में 56, चंबा में 13, सोलन में 30, ऊना में 12, शिमला में 16, कांगड़ा में 11, कुल्लू में 12, बिलासपुर में 16, किन्नौर में 1 पॉजिटिव मामला आया है। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 5288 पहुँच गया है। सक्रिय मामले 1449 हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 25 सितंबर से पटना शुरू होंगी स्मार्ट वर्दी। हिमाचल के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले करीब 7,90,000 विद्यार्थियों को 25 सितंबर से स्मार्ट वर्दी मिलना शुरू हो जाएगी। इस दौरान तक अगर स्कूल बंद ही रहे तो मिड डे मील की तर्ज पर अभिभावकों को स्कूल में बुलाकर वर्दी का आवंटन किया जाएगा। सितंबर के पहले सप्ताह के प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई पहुँचना शुरू हो जाएगी। स्कूल स्तर पर वर्दी के सैंपलों की जाँच करवाने के बाद ही वितरण किया जाएगा। 28 अगस्त तक पढ़ाई सिलेबस से ही पूछे जाएंगे स्कूलों की फर्स्ट टर्म परीक्षा में सवाल। 9वीं से 12वीं कक्षा के 7 सितंबर से शुरू होने वाली फर्स्ट टर्म परीक्षाओं में 28 अगस्त तक पढ़ाई सिलेबस से ही सवाल पूछे जाएंगे। 2 घंटे की ऑनलाइन परीक्षा के लिए सुबह 11 बजे प्रश्न पत्र हर घर पाठशाला वेबसाइट पर अपलोड होगा। प्रश्न लिखने के लिए विद्यार्थियों को आधे घंटे का समय मिलेगा। 11:30 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा होगी। 1:30 बजे परीक्षा पूरी करने के बाद आंसर शीट की फोटो लेकर उसे व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित शिक्षकों को भेजना होगा। विषय की परीक्षा 50 अंकों की होगी। 29 अगस्त से 6 सितंबर तक पुराने सिलेबस की रिवीजन करवाई जाएगी। इस दौरान नया ई कंटेंट विद्यार्थियों को नहीं भेजा जाएगा। कुल्लू में फटा बादल, हिमाचल के कुल्लू जिले की ऊंची घाटी के नगर के पास बादल फट गया। इससे छाकी नाली में बाढ़ आ गई। हालांकि जिला मुख्यालय कुल्लू व इसके आसपास के इलाकों में बारिश नहीं हुई। छाकी नाला में आई बाढ़ से नाले के आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। बाढ़ का पानी चट्टानों के साथ विशालकाय पेड़ों को भी बहाकर ले गया। बादल फटने के बाद व्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। बादल फटने की घटना से लोगों की जमीन व वन भूमि को भी नुकसान पहुंचा है। इस साल बरसात में जिला कुल्लू में दूसरी बार बादल फटा है। शिक्षकों के तबादले को निष्पक्ष और पारदर्शी नीति बनाए सरकार। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि स्थानांतरण की एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीति बनाने को उचित कदम उठाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि ऐसे शिक्षकों जिनके बच्चों को बोर्ड परीक्षा या MBBS, AI, EEE जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा में शामिल होना है, उन्हें ऐसी जगह समायोजित किया जाए जहां ऑनलाइन ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस की सुविधा हो। शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना होगा अनिवार्य, नई शिक्षा नीति में किया बड़ा प्रावधान। नई शिक्षा नीति के लागू होते ही शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना अनिवार्य हो जाएगा। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया है। स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए सिर्फ टेट पास ही आवेदन कर सकेंगे। हिमाचल में अभी तक JBT और TGT बनने के लिए टेट पास होना जरूरी था, लेकिन नई नीति लागू होने के बाद स्कूल प्रवक्ता नियुक्ति के लिए भी यह नियम लागू होगा। हिमाचल में JBT और TGT की भर्ती अभी कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होती है। स्कूल प्रवक्ता नियुक्ति की भर्ती लोक सेवा आयोग करता है। टेट का आयोजन स्कूल शिक्षा बोर्ड करता है। नई नीति लागू होने के बाद स्कूल शिक्षा बोर्ड का काम बढ़ जाएगा, टेट देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। कोलतार मिक्सिंग प्लांट में लगी आग, लाखों का नुकसान। कुल्लू जिले के बजोरा में बुधवार सुबह कोलतार मिक्सिंग प्लांट में आग लग गई। आग की इस घटना में 2 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई, जबकि किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
टीम ने मौके पर पहुंचकर 60 लाख की संपत्ति को जलने से बचा लिया। भूस्खलन से ओट आने सेंस पाउंटर शिलाई हाईवे यातायात के लिए बंद। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुल्लू जिले में बारिश से हुए भूस्खलन के चलते ओट आने सेंस हाईवे 305 8 घंटे यातायात के लिए बंद रहा। रात 2 बजे से बंद हाईवे में दोनों तरफ से करीब 200 वाहनों की लंबी कतार लगी रही। सड़क अवरुद्ध होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाईवे को बहाल करने के लिए मशीनरी भी मौके पर रवाना हुई। वहीं दूसरी ओर सेंज न्यूली सड़क पर बीती रात बारिश के चलते सड़क का एक हिस्सा धंस गया। ऐसे में भूस्खलन की संभावना बढ़ गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मंगलवार बीती रात बारिश से सरवरीखट सहित ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। सिरमौर जिले में पाउंटर शिलाई नेशनल हाईवे भूस्खलन होने से बाधित हो गया। देर रात 1 बजे के बाद से सड़क पर यातायात ठप रहा। हाईवे के दोनों ओर कई छोटे बड़े वाहन फंसे रहे। जासूसी के लिए मैगलोडगंज में 6 साल से बिछा रहा था नेटवर्क। दिल्ली में हवाला कारोबार के आरोप में गिरफ्तार कथित चीन के जासूस के तार धर्मगुरु दलाई लामा के निवास स्थान मैगलोडगंज से जुड़ने के बाद हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार मैगलोडगंज में रह रही एक विदेशी महिला दिल्ली में हवाला के आरोप में पकड़े गए कथित चीन के जासूस के संपर्क में थी। विदेशी महिला वर्ष 2014 से मैगलोडगंज में रह रही थी। बैली ब्रिज बनाने में 5वीं पास नियाज के आगे इंजीनियर भी फेल। कामयाबी मैच किताबी ज्ञान से ही नहीं अनुभव से भी हासिल होती है। मेरठ के 45 वर्षीय नियाज मोहम्मद उर्फ ब्रिज मैन ने यह साबित कर दिखाया है। मैच 5वीं कक्षा पास नियाज के सामने बैली ब्रिज बनाने में आज बड़े बड़े इंजीनियर भी बोने नजर आते हैं। देश की सीमाओं से गुजरने वाली सामरिक सड़कों पर नियाज अब तक 2 दर्जनों से अधिक ब्रिज बना चुके हैं। हाल ही में नियाज ने मनाली ले सामरिक मार्ग पर बने सबसे लंबे 360 मीटर दारचा पुल के साथ ही अटल टनल रोहतांग को मनाली ले मार्ग पर जोड़ने वाले चंद्रा ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर को बनाया है। इसके लिए उन्हें बस कोरे कागज पर बने पुल का नक्शा चाहिए होता है। IGMC हॉस्टल में सीनियर जूनियर प्रशिक्षु डॉक्टर भिड़े, रैगिंग का केस दर्ज। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला के बॉयज हॉस्टल में सोमवार देर रात सीनियर और जूनियर प्रशिक्षु डॉक्टरों के बीच जमकर मारपीट हुई। मंगलवार को जब इसकी शिकायत कॉलेज प्राचार्य को मिली तो उन्होंने मामले की छानबीन के लिए जांच कमेटी बना दी। वहीं जूनियर प्रशिक्षु डॉक्टरों की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने भी मारपीट और रैगिंग की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विभाग के एक अधिकारी और एक कर्मचारी को ही मिलेगा सचिवालय पास। कोविड-19 महामारी को देखते हुए विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार अधिकारी और कर्मचारियों को पहले की तरह पास जारी नहीं किए जाएंगे। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने बताया कि सभी प्रशासनिक सचिवों को अत्यावश्यक स्टाफ की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। स्पष्ट किया गया है कि जिस दिन विभाग का सत्र में बिजनेस लगा है सिर्फ उसी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी विधानसभा में आएंगे। विभाग से सिर्फ एक अधिकारी और एक सहायक को ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। पाठ्यक्रम में कटौती नहीं चाहते हैं अधिकतर अभिभावक। स्कूल शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 30% कटौती करने जा रहा है। इसके लिए बोर्ड ने अभिभावकों, शिक्षा विशेषज्ञों सहित शिक्षाविदों से सुझाव मांगे हैं। शुरुआती दौर में अभी तक बोर्ड को जो सुझाव मिले हैं उसमें लोग पाठ्यक्रम में 30% कटौती करने के पक्ष में नहीं हैं, जबकि कुछ लोगों ने राय दी है कि पाठ्यक्रम में कटौती करने के बजाय ऑप्शनल प्रश्नों में बढ़ोतरी हो। अक्टूबर में खुलेंगे मनाली के होटल। 6 माह बाद पर्यटकों से रूबरू होगी पर्यटन नगरी। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप ठाकुर ने कहा कि 1 अक्टूबर से मनाली के होटल पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक में 1 अक्टूबर से मनाली में होटल खोलने का निर्णय लिया गया है। गर्मी का सीजन कोरोना संक्रमण के चलते पूरी तरह से ठप रहा है, लेकिन अक्टूबर में पर्यटक कुल्लू मनाली का अधिक रुख करते हैं। ऐसे में सर्दी में कारोबार को दोबारा शुरू करने पर होटल एसोसिएशन ने मुहर लगा दी है। हिमाचल के शहरी क्षेत्र में बीपीएल में आने के लिए बढ़ेगी सालाना आय सीमा। ग्रामीण और शहरी बीपीएल के लिए अब अलग अलग आय सीमा होगी। सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीपीएल में आने के लिए 45,000 सालाना आय तय की थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों की मासिक आय ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा है। ऐसे में सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सालाना आय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार ने शहरी विकास विभाग को प्लान तैयार करने को कहा है। अगली कैबिनेट बैठक में इस मामले को लाया जाएगा। इसे 45,000 से ज़्यादा किया जाएगा। केंद्र को बल्क ड्रग पार्क का प्रस्ताव भेजेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल के 1300 करोड़ के बल्क ड्रग पार्क का प्रस्ताव प्रदेश सरकार सितंबर में केंद्र को भेजेगी। पार्क के प्रस्ताव को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करके भेजी जानी है। केंद्र सरकार ने देश के 3 राज्यों में पार्क बनाने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार एक पार्क हिमाचल में विकसित करने की तैयारी में है। इसके लिए सोलन के परमाणु में 1600 एकड़ और ऊना जिले में 1100 एकड़ जमीन चयनित की गई है। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार कार्यक्रम को लेकर माथापच्ची। 5 सितंबर को होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के कार्यक्रम को लेकर अभी संशय बरकरार है। सरकार तय नहीं कर पा रही है कि कोरोना संकट के बीच कार्यक्रम को किस तरह से करवाया जाए। जिलों में कार्यक्रम या हालात ठीक होने पर पुरस्कार देने को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं,
किस विकल्प को सरकार मंजूरी देगी, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। मानव भारती विश्वविद्यालय के हजारों पूर्व विद्यार्थियों की नौकरी पर तलवार। हिमाचल के सोलन स्थित मानव भारती विश्वविद्यालय पास आउट हजारों युवाओं के लिए कोरोना काल में अब नौकरी का संकट खड़ा हो गया है। फर्जी डिग्री मामला सामने आने के बाद हिमाचल से उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड तक बड़ी संख्या में ऐसे युवाओं को उनके नियोक्ताओं ने नौकरी से निकालने का नोटिस जारी कर दिया है जिन्होंने मानव भारती विश्वविद्यालय से किसी कोर्स की डिग्री ली है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।